नमस्कार, अभी मैं जयपुर में हूँ, राजस्थान की राजधानी, और सिविल लाइन विधानसभा है। अभी अभी पोलिंग ख़त्म हुई है और जब मैं निकल रहा था तो सामने पोलिंग बूथ है और कुछ भाई साहब लोग ये काउंटिंग कर रहे थे कि परसेंटेज वोट कितना हुआ, तो कुछ अंदाज़ा बता पाएंगे? ओवरऑल जो परसेंटेज है यहाँ पे सिविल लाइन्स की चार भागों की, 126, 127, 128 और 129 की, तो ओवरऑल एवरेज परसेंटेज 76% वोटिंग है। और जर्नली 76% ठीक ठाक माना जाता है? ठीक ठाक नहीं, इसे आप तो बहुत अच्छा कहें, क्योंकि 60% से अब वो जितनी भी वोटिंग होती है वो जर्नली बीजेपी के पक्ष की वोटिंग है और वो पॉजिटिव फैक्टर होता है। तो आप ये मानकर चलें कि किसी भी हाल में ये पूरी की पूरी जो वोटिंग हुई है ये नेशनल मुद्दे पर हुई है, राष्ट्रीय जो मुद्दा दिया गया है पार्टी ने उसके आधार पर वोटिंग हुई है, कार्यकर्ता सारे एकजुट थे और पार्टी ने और संघ के जितने भी लोग थे सब ने सहयोग किया है और आम जनता ने पूरी तरह डिक्लेयर किया है इस वोटिंग से कि ये जो वोटिंग है ये वोटिंग बेसिकली इस देश को आगे बढ़ाने के लिए की गई है। अभी जो हमारे नेता हैं यहाँ पर बीजेपी के MLA गोपाल शर्मा जी, उनको बहुत कम समय के अंदर अगर वो इतने अच्छा, ये MLA अभी यहाँ बीजेपी से हैं? नहीं, अब जो MLA प्रत्याशी हैं हमारे। अच्छा, आपने मान लिया कोई MLA होने जा रहे हैं। तो जो MLA प्रत्याशी अगर एक महीने के अंदर या 20 दिन के अंदर ही इस स्तर की ऊंचाइयों को छू देता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, भले हमारे चार भाग है, बाकी सारी जगह से भी रिपोर्ट इसी तरह की आ रही है हमें, तो आप ये मानकर चलें कहीं ना कहीं कांग्रेस से बहुत बड़ी चूक हुई है, वो जनता को समझ नहीं पाई है और बीजेपी ने बहुत ही ग्रास रूट पर काम करके उनके मन को छू लिया है और बम्पर वोटिंग हुई है जो 100% बीजेपी के पक्ष में जाएगी और अगला CM भी बहुत ही तेज तर्राट कोई आना चाहिए जैसा कि योगी जी। कुछ अंदाज़ा है आप लोगों को? देखिए, हम अंदाज़ा तो कह नहीं सकते, बीजेपी हमेशा कुछ बहुत अच्छा करती है और हमारे हिसाब से जैसे UP में योगी जी हैं, आसाम में हेमंत बिस्वा जी हैं, ऐसे ही राजस्थान में भी कोई तेज तर्रार CM आएंगे ऐसी हमको उम्मीद है और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें बीजेपी के हमारे MLA उम्मीदवार गोपाल शर्मा जी हैं और हम चूंकि वो संघ की पृष्ठभूमि से हैं और बहुत पुराने कार्यकर्ता भी हैं तो वो सभी लोगों को जानते हैं, वो संगठित कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, सबको एकजुट कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनके प्रयास रंग लाने चाहिए और उसका जो निर्णय है वो 3 तारीख को सभी को नजर आ जाए। मैडम, अपना परिचय देते हुए बताइए क्या माहौल है? अब तो 6 बज गए करीब, हाँ पूरे 6:05 हो गए हैं। मैं रेखा राठौड़ हूँ और यहाँ के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उनके गृह वार्ड से मैं पार्षद हूँ, जो भाजपा के। आप पार्षद हैं अभी? जी, वर्तमान में पार्षद हूँ उन्हीं के गृह वार्ड। तो राजस्थान ने अपनी किस्मत भाग्य तो बैलेट बॉक्स में, कहते हैं भाषा तो वही है, उसमें बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की 100% सरकार बन रही है, विधानसभा में गोपाल जी शर्मा जीत रहे हैं पूर्ण बहुमत के साथ और ताल तो ठोक रही कांग्रेस अभी। मैं कुछ विधानसभा में घूम के आ रहा हूँ, वो अभी बौखलाहट में बहुत कुछ ठोकेंगे लेकिन 3 तारीख को सब कुछ सामने आ जाएगा। अच्छा, राजस्थान में एकाएक कन्हैया लाल का मुद्दा क्यों हो गया? PM भी बोलने लगे और तमाम एकाएक जो सोशल मीडिया पर कन्हैया लाल एकाएक क्यों बीजेपी ने कन्हैया लाल मुद्दा बना दिया? राहुल गांधी बहुत बौखला गए, कन्हैया लाल को मुद्दा बना दिया। कुछ जो वामपंथी पत्रकार है वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी हारने लगी तो कन्हैया लाल को मुद्दा बनाया और 2 साल तक कुछ पूछा ही नहीं, 1.5-2 साल तक। कन्हैया लाल का मुद्दा वास्तविक मुद्दा है, कन्हैया लाल को जो मुआवजा मिलना चाहिए था वास्तव में नहीं मिला, 5 लाख रुपए दिए गए जबकि अभी 1 महीने पहले जो रामगंज की घटना हुई उसमें 50 लाख रुपए 2 घंटे में दिए गए, उसमें हमारे यहाँ के स्थानीय कैबिनेट मंत्री खाचरियावास जी सबसे पहले पहुँचने वालों में से थे, जो अपने आप को राम का वंशज बताते हैं, जो राम भक्त बताते हैं, वो सबसे पहले एक जाति विशेष को या विशेष समुदाय के लोगों को मुआवजा देने के लिए सबसे पहले पहुंचे। तो मैं उनसे ये पूछूंगी कि कन्हैया लाल जी का मुद्दा तो 2 साल पहले ही हो चुका था, तब वो क्यों नहीं पहुंचे? तब वो राम के वंशज नहीं थे? अब तो राम नाम का जाप आपके मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। राम तो सभी के हैं, राम तो पूरे भारत के हैं, तो अब तो उनका समय है, अब राम नाम जपेंगे और आराम करेंगे अब वो। अच्छा, ये एकाएक अशोक गहलोत क्या उन भटक गए, मुंह से फिसलन हो गई? उन्होंने कहा कि यदि मिरेकल होगा तभी हम जीतेंगे, मतलब एक चीफ मिनिस्टर ऐसा क्यों बोल गया?
मैंने आपसे फिर कहा ना, सब बौखलाए हुए हैं, अभी बहुत कुछ बोलेंगे 3 तारीख को, 3 तारीख के बाद आपको सब पता चलेगा कि कौन क्या क्या बोल रहा है। बहुत कॉन्फिडेंस आपके चेहरे से लग रहा है कि जिससे लग रहा है कि आज जो है जीत गई आप। हमने जीत आज ही मान ली है। बहुत ज्यादा परिचय दीजिए। मैं राजेश चतुर्वेदी हूँ, सामान्यतया जनसेवा के नाते कार्य करता हूँ और योग शिक्षक के तौर पर लोगों की सेवा करता हूँ। पिछले 5 साल के अंदर जो कांग्रेस ने राजस्थान को दिया, वही उसको वापस जो बोया सो काटा वाली स्थिति अभी हम कह सकते हैं। अशोक गहलोत जी के मुंह से जो निकला, वो मुंह से निकलना अनायास नहीं है, वो हमें लगता है अंतरात्मा की आवाज़ थी जो मुंह से निकल गई कि हम जीत जाएं तो मिरेकल होगा। जो उन्होंने बोला वो उनके अंतरात्मा की आवाज़ थी जो जबान पर आ गई, क्योंकि उनको पता है उन्होंने क्या क्या किया 5 साल के अंदर। जैसे कन्हैया लाल ही एक मुद्दा नहीं है, कन्हैया लाल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं राजस्थान में, जहां करौली के मुद्दे को जैसे हम ले लें, जहां पथराव हुआ और उन्होंने कहा कि आपने चूंकि नारे लगाए इसलिए पथराव हुआ, इसलिए दंगा भड़का, जबकि जय श्री राम कोई सांप्रदायिक वो नहीं है कि हम उसको कह दें कि जय श्री राम होना कोई सांप्रदायिक है। ला इला इल्लल्लाह जब बोला जाता है तो हम भी सांप्रदायिक नहीं कहते ना उसको, हम तो सामने वाला मिलता है तो हम उसको अपना कुछ बोलते हैं। तो अभी ऐसा जो आज दिख रहा है हमको चुनाव में, मेरे हिसाब से 150 सीटें लगभग राजस्थान में भाजपा की आती है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लोग राजस्थान पिछली बार बीजेपी ने नारा, बीजेपी अंदर से आई थी कि मोदी तुझसे बैर नहीं वसुंधरा तेरी खैर नहीं, तो क्या उससे राजस्थान ने कुछ सीखा? क्योंकि इस 5 साल में माना जा रहा है करप्शन बहुत ज़बरदस्त हुआ और क्राइम में तो खैर आपका स्टेट नंबर 1 के रेस में जा रहा है, तो वो गलती कहीं हुई क्या वो पिछली बार? मैम पिछली बार वो गलती हुई आपके लिए थोड़ा, आप चूंकि आप नेता हैं तो असहज हो रहा होगा ये। भारतीय जनता पार्टी कभी कोई गलती कर ही नहीं सकती है, ये सिर्फ नहीं जनता की गलती, मतलब जनता ने नारा एक दे दिया वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। देखो किसी विशेष उससे अगर माने तो ये मैं जनता की गलती ही मानूंगी इसको, कि उन्होंने जो सरकार उसके परिणाम उसके सामने आ चुके हैं और आज जो राजस्थान में हुआ है जिस तरीके का क्राइम बढ़ा है, तो जनता उससे सबक भी ले चुकी है, उसको गलती मानते हुए अब उसको भूल को सुधार करने के लिए आने वाले 3 तारीख को आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में पहले जो ये नारा लगा था वो जनता की गलती ही थी। जनता की गलती थी। और क्राइम को कैसा लग रहा है कि सही मायने में क्राइम, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगा, अपना नाम परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम दीपेश शर्मा है। बिल्कुल कह सकते हैं आज रहने वही रहो। हाँ बताइए बताइए। मेरा नाम दीपेश शर्मा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि सिविल लाइन्स ने 5 साल में जो झेला वो अब आगे जनता समझ चुकी है और आगे विकास के कार्य जितने भी होने वाले हैं ये हमारे गोपाल जी शर्मा जी हैं वो करेंगे। चलिए चलिए आ जाओ भाई, फल बेचते हो? अरे गुस्सा मत करो दोस्त, तुम इतनी देर से हल्ला कर रहे हो, क्या कांग्रेस का पट्टा लगाए हुए हो? हाँ बताओ क्या कहना चाह रहे साहब। जिस चीज ऐसी है कांग्रेस, बढ़िया चीज है ये, बढ़िया चीज है ये, चीज ऐसी है अल्लाह ने हर चीज इसको बंदे को समझ रखे, अल्लाह ने इसको बढ़िया रखे, मतलब कांग्रेस को। ये ऐसा है हर किसी गरीब अमीर कुछ कुछ नहीं देखता, ये जैसा आदमी है बढ़िया लगता है। शाम में ले लियो दोस्त, मतलब नहीं मैं तो आवाज आ रही है राजस्थान में पूरी छूट दे दी है पीने की आपके मुख्यमंत्री ने। वाली बात नहीं कर रहे आप, मैं बढ़िया बात कर रहा हूँ भाई साहब आपसे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपको घर में शौचालय मिल गया आपको? हाँ जी मिल गया, शौचालय मिल गया, गैस सिलेंडर मिल रहा, उज्ज्वला वाला पत्नी को मिला? वो मिला था, मिल गया। और तो ये कहाँ से मिला, ये पता है आपको कहाँ से मिला था? किसकी योजना है उज्ज्वला? ये तो मुझे मालूम ही था, ये तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री की योजना है मोदी जी की। अच्छा मोदी जी की है ये? अच्छा मोदी जी इनके नीचे है ना, तो मोदी जी ने दिया, कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा मोदी जी ने, हाँ मोदी जी है इनके नीचे है ना। किसके नीचे है मोदी जी? अब ये है नहीं इनके, अशोक गहलोत के नीचे है मोदी, सबसे बड़े मोदी जी है सबसे बड़े। हाँ उज्ज्वला, उज्ज्वला सड़कें इतना बढ़िया, बिजली अब मिल रही घर में, घर में बिजली आ रही है ठीक से समय पे? ठीक आ रही है। तो ये सब यूनिट, यूनिट 100 यूनिट फ्री है, 100 यूनिट फ्री है। हाँ जी तो काम यहाँ ठीक चल रहा है। हाँ 100 यूनिट फ्री, और शराब भी शाम के बाद में मतलब फ्री हो जाता है एकदम। नहीं, से नहीं, आपने तो आप दोस्त ले लिया पूरा मजे में एकदम पूरा मस्त हो, इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं। गुजरात से भी लोग राजस्थान आ जाते हैं पीने के लिए, अपना काम करते हैं, अपनी मेहनत का करते हैं, किसी का नहीं खाते हैं ना किसी का। चलो क्या नाम है? मेरा मोहम्मद शानू। मोहम्मद शानू ठीक है, मोहम्मद शानू
तो देखिए चूंकि फल बेचते हैं ये और बहुत अच्छा इन्होंने, हाँ इनकी इनकी इच्छा, बिल्कुल इनकी इच्छा थी कि हम इनकी भी राय ली जाए। तो हम किसी का नहीं खाते, अपना खाते हैं, हम किसी का नहीं खाते, किसी का नहीं खाते ना, हम वोट डालते हैं बस, जो डाल दिया वोट डाल दिया, वोट डाल दिया ना, बहुत बढ़िया। हाँ आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए, तो अलग अलग रंग हैं चुनाव के, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। और क्या शराब मतलब बिल्कुल फ्री है क्या यहाँ पे? देखिए शराब ही नहीं है, मैं तो देखता हूँ जहाँ शाम में भाई। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि शराब की दुकानें हर दर और घर तक पहुँच गई हैं, हर कॉलोनी के बाहर आप देख सकते हैं कि शराब। मैं अभी 5-6 दिनों से राजस्थान में हूँ, गुजरात की नंबर की बड़ी गाड़ियाँ, खास करके आपका जो सीमा क्षेत्र है, बहुत छोटी सी बात है, आप हर गली मोहल्ले में गुंडागर्दी देखें, आप शराब देखें, आप देखें हर कोई किसी तीसरी जगह कोई ना कोई दुर्घटनाएं घट रही हैं, जो 100% अनैतिक है वो थाने से छूट रहे हैं, लोग ऐसे अपराधी भी छूट जाते हैं जिनको कतई वहां से नहीं छोड़ना मतलब चाहिए। अपराध बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा चरम सीमा पर है, और इसी गुंडागर्दी के अगेंस्ट में सभी लोग खड़े हैं, और वो पूरी तरह अपना अपना जितना भी सर्वस होता है अपनी कॉलोनी में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वोटिंग के लिए सबको प्रेरित कर रहे हैं कि आप जाएं। और इस तो राजस्थान भी क्या शराबबंदी राजस्थान भी डिमांड कर रहा है क्या गुजरात और बिहार की तरह? देखिए डिमांड तो पब्लिक करती है, हमारी पूरी प्रयास है कि किसी भी तरह के इस तरह के जितने भी मादक द्रव्यों से संबंधित कार्य हों ये एक लिमिटाइज और एक सिस्टमेटिक मैनर में हो जिससे अपराध की प्रवृत्ति ना फैले। अब आगे तो पार्टी जाने, उसमें हम अधिकृत नहीं है इस बात को बोलने के लिए, लेकिन आगे जो जनता कहेगी उसको मानना पड़ेगा, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई और दूसरी पार्टी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शराब पर आप बात कर रहे थे, हमारे यहाँ शराबबंदी आंदोलन को लेकर के गुरु शरण जी छाबड़ा जिन्होंने शराबबंदी आंदोलन चलाया और आमरण अनशन पर बैठे वसुंधरा की, जो अभी आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि मोदी तुझसे बैठ नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, वो स्थिति इसलिए पनपी थी क्योंकि वसुंधरा जी के शासन के समय से ही ये परिपाटी शुरू हो गई थी शराब वाली, और उस शराब वाली परिपाटी के शुरू हो जाने की वजह से गुरुशरण जी छाबड़ा आमरण अनशन पर बैठना पड़ा और आमरण अनशन पर ही उनकी मृत्यु हो गई, वो उसी में मर गए शराबबंदी आंदोलन में। और वसुंधरा जी के जाने से जनता को बड़ा संतोष प्राप्त हुआ क्योंकि उस वक्त की स्थिति लगभग कुछ ऐसी थी, दिन भर जो औरत घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके आती थी, शाम को पति उसको मारता था दारू पीने के लिए, पैसे छीनने के लिए, ये हालात थे घर घर के गली गली के। मैम ये बताइए, मैम हाँ बात है, मैम ये बताइए कि 5-5 साल वाला तो थोड़ा टेंशन हो रहा होगा, क्योंकि राजस्थान का तो कल्चर है कि 5 साल बाद सरकार वापसी, तो क्या इसलिए सिर्फ लग रहा है कि यही इसीलिए उम्मीद लग रहा है कि वापसी हो जाएगी, या फिर उम्मीद इसीलिए नहीं लग रहा? अगर मैं मेरी विधानसभा की बात करूंगी तो यहाँ पे जो मंत्री जी की तानाशाही, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, जिस तरीके से उन्होंने सिविल लाइन्स विधानसभा को मिनी पाकिस्तान बना दिया, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ इस तरीके से थानों तक में अपनी दादागिरी जो तानाशाही चला रही है, उन सभी को देखते हुए जनता उनसे त्रस्त है, जनता परिवर्तन चाहती है, जनता शांतिपूर्वक अपना जीवन जीना चाहती है, जनता थक मतलब ये राजस्थान त्रस्त हो चुका है भ्रष्टाचार और करप्ट मेनली अपराध से, क्राइम से, वो महिलाओं को देख लीजिए, युवाओं को देख लीजिए, आज गहलोत जी ने क्या किया पेपर लीक के अलावा क्या किया, महिलाएं जहां अगर थाने में भी जा रही है, अगर वो अपनी गुहार लेके जाती है तो थाने में उसके साथ क्या हो रहा है, ये महिलाएं भी जागरूक हो चुकी है, युवा भी जागरूक हो चुका है, किसान भी जागरूक हो चुका है, तो ये ऐसा नहीं है कि 5 साल 5 साल वाला, सत्ता पूरी तरह से भाजपा के हाथ में है और भाजपा ही पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। चलिए बहुत धन्यवाद। तो वोटिंग खत्म हो चुकी है और माना जा रहा है लगभग 76% बता रहे थे ना सर, 76% तो बहुत बढ़िया पोलिंग मानी जाती है। अब 70 इतना बढ़िया पोलिंग क्या राजस्थान में अशोक गहलोत को लेकर गुस्सा को लेकर के है या फिर वजह कुछ और है, ये 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। राजस्थान की जनता में इतना तो कम से कम जरूर नज़र आया है कि यहाँ पर लोग अपराध से बहुत त्रस्त हैं। अब देखना ये होगा कि 3 दिसंबर को जब बैलेट बॉक्स खुलता है तो परिणाम क्या निकलता है।